मेरे को कुछ नहीं मिला। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, उसके एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ए प्लस बी रेज टू पावर एन, यहाँ पे जो अपना है ना इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, तो इसकी एक्सपेंशन खोलना है बाइनोमियल की, कॉम्बिनेशन की हेल्प से खुलेगी। तो कैसे खुलेगी, बहुत सिंपल सा तरीका है, एन सी नॉट, फिर जो पहले वाला नंबर है इसकी पावर कर देंगे हम एन, देन जो सेकंड नंबर है बी उसकी पावर होगी जीरो। इन दोनों का सम करें तो वापस एन के इक्वल आना चाहिए। तो सेकंड जो नेक्स्ट टर्म आएगी एन सी वन आएगा, इस बार एन सी नॉट लिया है, फिर वन ऐसे चलेंगे आगे, टू ऐसे चलेंगे इस तरीके से, तो ए की पावर हो जाएगा एन माइनस वन, एक एक टर्म, जैसे यहाँ वन आए तो एन में से वन कम कर देंगे। फिर बी की पावर, पहले जीरो था तो बी की पावर बढ़ेगा, पैटर्न ये रहेगा, जैसे जैसे एक एक बढ़ेगा ए की पावर एक कम हो जाएगी, बी की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एन सी टू, ए रेज टू पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, पहले वन थी अब हो गई टू। नेक्स्ट एन सी थ्री, ए रेज टू पावर एन माइनस थ्री इंटू बी रेज टू पावर, बी की पावर दो था अब हो गया तीन, प्लस एन सी फोर, ए रेज टू पावर एन माइनस फोर इंटू बी रेज टू पावर फोर, यहाँ चार कम हो रहा है, वहाँ पीछे बी की पावर तीन था एक बढ़ गया, सेम यही पैटर्न से इस तरीके से हम चलते रहेंगे। लास्ट में हमें कौन सा टर्म लिखना है, लास्ट nth टर्म लिखना है, तो अपना आ जाएगा एन सी एन, क्योंकि हम n टर्म तक जा रहे हैं, तो एन सी एन, ए की पावर क्या बन जाएगा n माइनस एन, क्योंकि पहले हम n ही ले रहे थे की पावर n, फिर n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, देखो यहाँ जीरो आ रहा है तो उसको आप n माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, एन सी वन आया तो n माइनस वन, एन सी टू है तो n माइनस टू, एन सी थ्री है तो ए की पावर n माइनस थ्री, फोर आ रहा है तो ए की पावर n माइनस फोर, तो जैसे ही n आएगा तो ए की पावर n माइनस n हो जाएगा इंटू बी रेज टू पावर n, b की पावर क्या बनेगा, जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है वही b की पावर में, देखें यहाँ थ्री है तो b की पावर थ्री, फोर आ रहा है तो b की पावर फोर, इस तरीके। तो ये अपनी लास्ट टर्म हो गई है, इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एन सी नॉट का मीनिंग क्या होता है, वन, ए की पावर n एज इट इज़, बी रेज टू पावर जीरो क्या होता है वन, प्लस एन सी वन का मीनिंग क्या होता है, एन ही होगा, ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी, प्लस एन सी टू को हम खोल सकते हैं एक्सपेंशन से एन इंटू एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ टू लिखा है तो इसका मतलब ऊपर दो ही टर्म आनी चाहिए, एक पहला एन आएगा फिर उसमें से एक कम, अपॉन आएगा टू लिखा है तो टू का फैक्टोरियल इंटू ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, तो इस तरीके से खोलते रहेंगे हम। तो लास्ट में चलेंगे लास्ट वाली टर्म एन सी एन, जब दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, वन, ए रेज टू पावर एन माइनस एन हो जाएगा जीरो इंटू बी की पावर एन, तो अपना फाइनली इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, ए की पावर एन प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म आएगा अपना बी की पावर एन। तो ये अपना आ गया है बाइनोमियल का एक्सपेंशन।